सीएम योगी लगातार कोरोना से निपटने की तैयारियों का खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में आज सीएम योगी अलीगढ़, आगरा और मथुरा जाएंगे। कोविड से निपटने की इन तीन जिलों में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सीएम के पूरे कार्यक्रम की हम आपको जानकारी देंगे, अपने संवाददाता से भी इस पर अपडेट लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर कोरोना संक्रमण के रफ्तार से जुड़ी हुई। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। 24 घंटों में 20,000 से कम मामले सामने आए। बीते कुछ दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है। 24 घंटों में 18,125 नए केस, जबकि राहत की बात रही कि 26,712 संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौटे। कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सीएम योगी ने मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर रिपोर्ट तलब की है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमेटी से विमर्श करने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जारी है और बीते बुधवार को कोरोना के 7,449 नए मामले सामने आए। साथ ही 109 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 7,005 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। आज कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है। उत्तराखंड में 14 मई तक पर्वतीय जिलों में भारी बारिश तो कहीं पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में पहाड़ी से भारी मलबा आने के बाद से भंडारण और राशन गोदाम समेत स्टाफ रूम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भवाली से अल्मोड़ा जाने वाले मार्ग में भी कई जगह पर सड़क पर मलबा आने से यातायात रुक गया है। हालांकि प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा है। आपको बता दें कि नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में संभावित बादल फटने से बड़ी तबाही हो गई थी। और इस खबर से भी हम हर जुड़ी हुई जो जो अपडेट आएगी वो आपको बताएंगे। और अब पूर्वांचल की खबरें आपको सुपर फास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गाजीपुर में गंगा नदी में शव मिलने से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। पानी में संक्रमण फैलने की आशंका के बीच बीएचयू के प्रोफेसर का कहना है कि पानी से कोरोना संक्रमण फैलने की बात साबित नहीं हुई। मिर्जापुर में एक किराना व्यापारी के घर में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी व्यापारी को बाहर निकलकर पैसे देने की बात कह रहा है। मामला कुतवाली इलाके के सिविल लाइन पुलिस चौकी का है। गाजीपुर के एसडीएम ने ग्रामीणों की मदद के लिए आए शव का अंतिम संस्कार करवाया। एसडीएम ने कहा कि 23 शव मिले हैं जो कि 15 से 20 दिन पुराने हैं। इनमें कुछ अधजले भी हैं। गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू का असर नहीं दिख रहा। जरूरी सेवाओं के लिए ही निकलने की छूट है, लेकिन बाजारों और कई इलाकों में लोगों की भीड़ है, जिससे महामारी का खतरा बढ़ गया। आजमगढ़ में सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल सेंटर की जांच कर सकते हैं। बलिया में ऑक्सीजन की किल्लत कुछ दिनों में दूर हो सकती है और इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि पीएम केयर फंड से जिले में ऑक्सीजन अस्पताल बनाया जा रहा है। गोंडा में 8 महीने से लापता छात्र को एसपी संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस ने बच्चे को परिजन को सौंप दिया है, जिसके बाद परिजन काफी खुश है। तो पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो लखनऊ से मिल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश है। यूपी में रहने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण के निर्देश दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त 18 से लेकर 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश। आधार कार्ड या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। ये एक बात महत्वपूर्ण जानकारी, बाध्यता नहीं होगी आधार कार्ड की या दूसरे किसी भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की। यूपी में निवास करने का किसी भी डॉक्यूमेंट देने पर टीकाकरण हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, कोई एक डॉक्यूमेंट हो, चाहे आधार या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट। स्थायी अस्थायी रूप से निवास करने वाले परिवारों का भी टीकाकरण होगा। अगर आप स्थायी रूप से नहीं निवास करते, दूसरे राज्य के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो आपको जो अस्थायी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो आप दे सकते हैं। मसलन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां का आईडी कार्ड आपके पास होगा, ये अस्थायी के तौर पर चल सकता है। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर सीएम ने रिपोर्ट मांगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को यह जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति से विमर्श करने का निर्देश दिया गया है। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर भी ब्लैक फंगस के कई केस रजिस्टर हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति से अब विचार विमर्श करने का निर्देश सीएम योगी ने दिया है। ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को अब ये जिम्मा सौंपा है कि वो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक समिति से विचार विमर्श करे। गाजीपुर में गंगा में शव बहाए जाने की खबरों के बाद अब उन्नाव से भी ऐसा ही मामला सामने आया। उन्नाव के बक्सर घाट पर गंगा नदी में कई लाशें पड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। तस्वीरों में नदी और किनारों पर पड़ी लाशों को साफ साफ देखा जा सकता है और इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार शख्स मौके पर नहीं पहुंचा और कोई ये बताने के लिए भी तैयार नहीं कि ये लाशें आई कहाँ से हैं, कौन इन शवों को नदी में प्रवाहित कर रहा है, बहा रहा है, क्या कारण है कि शवों को बहाया जा रहा है और क्या वजह है कि अभी कोविड काल के दरमियान ही ये तस्वीरें आने, आज से पहले तस्वीरें क्यों नहीं आई। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। गाजीपुर बलिया में बहे शवों का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अंत्येष्टि की क्रिया धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं। नदी में शव को बहाकर अंत्येष्टि पर रोक के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को धर्मगुरुओं से संवाद करके लोगों को जागरूक करने का निर्देश सीएम योगी ने दिया है। अंत्येष्टि की क्रिया धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही हो, नदी में शवों को बहाकर अंत्येष्टि पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित करें, उनसे बातचीत करें और उसके बाद लोगों को जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं लोगों के अंदर और नदी में प्रवाहित करके जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं और इसके लिए जागरूकता लानी होगी। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो धर्मगुरुओं के साथ बातचीत करें, संवाद स्थापित करें और अंत्येष्टि की क्रिया को लेकर उनसे तमाम बातें जानें और फिर लोगों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़, आगरा और मथुरा के ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी इससे पहले बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, वाराणसी के दौरे कर चुके हैं और मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे अलीगढ़ के लिए निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी एएमयू पहुंचेंगे और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में अधिकारियों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी जिला अस्पताल का दौरा भी कर सकते हैं। मथुरा में कोविड के समीक्षा बैठक के साथ किसी गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से फोन पर बातचीत की। एएमयू के ज्यादातर स्टाफ कोरोना की चपेट में, कई प्रोफेसर्स की मौत हो गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आगरा से हमारे साथ नितिन उपाध्याय और अनिल सारस्वत मथुरा से हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नितिन उपाध्याय का। नितिन, आगरा की सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट बताइए कि यहाँ पर फिलहाल कितने केसेस हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर क्या है और सीएम योगी का दौरा किस तरह से रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, सीएम योगी का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और इसलिए जो अधिकारियों के दावों के विपरीत पूरी तरह से जमीनी धरातल पर आखिर क्या चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 3 जिलों में उनका दौरा है। करीब 9:15 बजे वो लखनऊ से जब उड़ेंगे और उसके बाद वो सीधे अलीगढ़ पहुँचेंगे। अलीगढ़ में जाके वो एएमयू हेलीपैड पर उतरेंगे और वहाँ जाके वो अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, वार्ता करेंगे। हो सकता है जिस तरीके से एएमयू में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं तो उनके कुलपति से भी मीटिंग करके तमाम जो उनको जिस तरह से मदद मुहैया करानी है उस पर वार्ता करेंगे। तो पूरे जो अलीगढ़ मंडल के तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर मौजूद रहेंगे। फिर मथुरा आना है, मथुरा में आके तमाम मीटिंग्स लेंगे, कोविड कंट्रोल ICCC का वो निरीक्षण करेंगे, वहाँ किसी गांव में जा सकते हैं और उसके बाद आगरा 4:15 बजे यहाँ आगरा आने का उनका कार्यक्रम है और आगरा में आकर वो जो हमें जानकारी मिली है कि पथौली गांव जा सकते हैं, वहाँ के लोगों की क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको देख सकते हैं, किस तरह से आइसोलेशन में रह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगाया है या नहीं लगाया हुआ है और इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में का निरीक्षण करेंगे जो नगर निगम में बना हुआ है। उसके बाद वो SN मेडिकल कॉलेज भी जा सकते हैं और रात के 8 बजे उनका फिर से वापसी लखनऊ का कार्यक्रम। नितिन, आप बता रहे हैं कि बड़ा दिन का जो दौरा है, कई लोगों से मुलाकात करने और ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ अधिकारियों के साथ ही संवाद ना हो, आम लोगों के साथ संवाद बहुत जरूरी है ताकि मुख्यमंत्री को भी पता चले कि अधिकारी क्या कह रहे हैं
और जनता एक्चुअल में क्या कह रही है। अनिल आपके पास आना चाहते हैं, मथुरा कितने बजे पहुंचेंगे, मथुरा में क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ लगभग 2:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर बैटिंग कॉलेज विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो आने के बाद में यहाँ पर विकास प्राधिकरण में बने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक होम आइसोलेट किसी पेशेंट की कोविड के जो गाइडलाइंस होती है उनका यहाँ के डॉक्टर लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिलों भर से आसपास के जिलों से मथुरा से भी ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर कोविड जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी के चलते यहाँ पर असंतुष्ट दिखाई दिए थे और यहाँ पर एबीपी गंगा ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि यहाँ पर संतान घाट में भी जो अंतिम संस्कार किया जा रहा था कोरोना से जो मौत हो रही थी उनका, तो उनके भी यहाँ पर मौत की रकम लेकर यहाँ पर वो अंतिम संस्कार किया जा रहा था, ये खबर भी एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी। और यहाँ पर बात की जाए मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर पूरी रात बैठकों का और निरीक्षण का दौर चलता रहा। यहाँ पर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिलाधिकारी मथुरा, SSP मथुरा और नगर आयुक्त तमाम पूरी रात भर यहाँ पर तैयारी में जुटे रहे हैं और यहाँ पर लगभग 2:15 बजे मुख्यमंत्री का हेलीपैड बैटरीन विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर यहाँ पर लैंड करेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आप नजर बना के रखिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनिल सारस्वत और नितिन उपाध्याय। आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि लखनऊ से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और खबर ये कि कोविड मरीजों से मनमानी वसूली करने पर एक्शन हुआ है। राजधानी के 3 निजी अस्पतालों पर FIR के निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड प्रभारी डॉक्टर रोशन जैकब की जांच में ये पोल खुली है। JP हॉस्पिटल, मैक्वेल हॉस्पिटल और देवीना हॉस्पिटल पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड प्रभारी अधिकारी ने CMO को ये निर्देश दिए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पेशेंट से या फिर उनके तीमारदारों से मनमानी वसूली करने के आरोप में अब 3 बड़े अस्पतालों पर FIR दर्ज होने जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह पर अब ट्रांसफर किया जाएगा। देशभर में कोरोना संकट के बीच विपक्ष के 12 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में मुफ्त टीकाकरण की मांग की है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाले इन नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, NCP अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, RJD नेता तेजस्वी यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो वाम दलों के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा के अलावा फारूख अब्दुल्ला का नाम भी इसमें शामिल है। विपक्षी नेताओं की इस चिट्ठी में केंद्र सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सेंट्रल विस्टर परियोजना पर रोक लगाने और गरीबों को 6,000 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सेंट्रल विस्टा को लेकर चल रहे काम पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह कहा गया है कि कोरोना काल में राजपथ, सेंट्रल विस्टा विस्तार, उद्यान में चल रहे निर्माण कार्य से मजदूरों में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ रहा है और याचिका में यह भी कहा गया है कि जब देश में लॉकडाउन पर विचार चल रहा है तो निर्माण गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि यदि परियोजना को महामारी के दौरान जारी रहने की अनुमति दी गई तो इससे काफी संक्रमण फैल सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस है और निर्माण साइट रहने समेत तमाम कोरोना बचाव संबंधी सुविधाएं भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई रहेगी और इनको हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में मुर्गा चोरी के आरोप में एक युवक को मुर्गा बनाकर पीटा गया। तौसीफ नाम के दबंगी गुंडई का वीडियो वायरल है। बाराबंकी में कोविड-19 महामारी से बेखौफ लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन तहसील प्रशासन तमाशबीन बना हुआ। सुल्तानपुर में BJP विधायक राजेश गौतम की मेहनत आगे कदम है। करीब 10 दिन के भीतर यहां पर विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाकर तैयार हुआ और अब अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कत नहीं आई। और आई में बाइक सवारों को पीछे से रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना से संक्रमित सपा सांसद आजम खान की तबीयत में अब थोड़ा सा सुधार होने लगा है। मेदांता में वो भर्ती हैं और लखनऊ में लगातार आजम खान को मॉनिटर किया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है और अब उनकी तबीयत तेजी से सुधर रही है। डॉक्टरों की तरफ से जानकारी दी गई है कि आजम खान ने भोजन किया और उनका ऑक्सीजन लेवल भी लगातार सुधर रहा है। मेदांता अस्पताल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने इस बात की जानकारी दी। आजम खान को कोविड निमोनिया की वजह से हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। खान साहब को सीतापुर जेल से दो दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको आईसीयू में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी गहन हमारी सीसीएम की टीम की निगरानी में है और होपफुली अभी स्टेबल हैं और ठीक होना चाहिए। तो सपा सांसद आजम खान की खराब तबीयत को लेकर रामगोपाल यादव के ट्वीट पर सपा और भाजपा आमने सामने आ गई हैं। सपा नेता राजपाल कश्यप ने सरकार पर आजम खान को साजिशन जेल में रखने का आरोप लगाया है, तो भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने ट्वीट किया है उससे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। के अंदर ही उनका इलाज ठीक से नहीं कराया जा रहा और षड्यंत्र के तहत वो कोरोना संक्रमित हो गए होने के बाद में भी इलाज में भी षड्यंत्र किया जा रहा, उनको ठीक जगह इलाज नहीं कराया जा रहा, वो कई दिनों से जेल में हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रयास करके उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वो वर्तमान में आईसीयू में है। हम सब लोग और सभी लोग दुआएं करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर आए हम लोगों के बीच में। कोविड संक्रमण के कारण से जिस प्रकार से कल आजम खान को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में जिस प्रकार से योगी सरकार को या योगी जी को निशाना बनाया गया है, उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रामगोपाल जी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों का बचाव केवल तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कर रही है। बहरहाल जो राजनीतिक वार पलटवार का दौर है वो चल रहा है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आजम खान की तबीयत में सुधार हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है खास वो आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज यूपी में किस तरह हलचल रहने वाली है। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरों पर रहेंगे। सीएम अलीगढ़, आगरा और मथुरा जाएंगे। तीनों जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारियों का सीएम जायजा लेंगे। अधिकारियों को इस दौरान वो अहम निर्देश दे सकते हैं। इन तमाम दौरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे।